नमस्कार दोस्तों, इंडियन फूड रेसिपी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सब्जी, जिसके लिए हमें चाहिए प्याज। हमने एक बड़ा प्याज लिया है जिसे हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। दो टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया है। एक कटोरी हमने मटर लिए हैं। एक कटोरी में हमने ये दो उबले हुए आलू लिए हैं जिसे हमने काट लिया है। दो बड़े चम्मच तेल, एक चुटकी हींग पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा, एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हमने किचन किंग मसाला लिया है सब्जियों में डालने वाला, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, खड़े मसाले में हमने 4 से 5 काली मिर्च, और हमने ये लिया है दालचीनी का टुकड़ा आधा इंच का, एक तेजपान का पत्ता। तो आइए शुरू करते हैं हम आलू मटर की सब्जी बनाना। हमने ये सब्जी बनाने के लिए पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे तेजपान का पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, हींग पाउडर डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम इसमें, प्याज भी डाल देंगे। प्याज को हम अब हल्का ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे हम। ये प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसे मिक्स कर देंगे। किचन किंग मसाला भी डाल देंगे हम इसमें, इसे भी मिक्स कर देंगे। इन मसालों को हम 1 सेकेंड तक पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, इसे भी मिक्स कर देंगे। हमने मटर भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें, हमने मटर को बॉईल नहीं किया था इसलिए हम इसे टमाटर के साथ ही पकाएंगे। इसमें हम ये स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। इसे मिक्स कर देते हैं और हम इसे मीडियम आंच पर बिल्कुल तेल छोड़ने तक पकने देंगे। हम इसे ढक देंगे। हम सब्जी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सब्जी ने अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है और हमारे मटर भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ये आलू मिक्स कर देंगे। ये हमने आलू को इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें 5 मिनट आलू को मसालों के साथ पकने देंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। हम सब्जी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मसाला आलू में अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी आप जैसी सब्जी को रखना चाहते हैं, तरी वाली, ग्रेवी वाली, आप उस हिसाब से ही पानी डालिए। हमने ये इसमें 1 ग्लास पानी डाला है। अब हम इसमें 1-2 उबाल आने तक इसे अच्छे से पकाएंगे। सब्जी में उबाल आ गया है। अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं खोलकर। ये देखिए, हमारी सब्जी से उबल कर अच्छे से पक गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे
इसमें डालेंगे ये गरम मसाला पाउडर, इसे मिक्स कर देंगे। ये धनिया पाउडर भी डाल देंगे हम इसमें, इसे मिक्स कर देंगे। आलू मटर की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है, हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आलू मटर की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।